गर्म पजामे आ गए हैं। कितने का दिए भैया ये गर्म पजामा? लाजपत नगर में कौन सा ब्लन कलेक्शन आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं लाजपत नगर। तो गाइज यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है और ये गर्म पजामे आ गए हैं। कितने का दिए भैया ये गर्म पजामा? 300 रुपए में मैडम। 300? और ये वाला 250 का। 250 के हैं ये वाले। ये फ्रेंड्स अब की बार जो ये पैजामे आए हैं ना ये इतने अच्छे लग रहे हैं, 350 की रेंज में, कोई 300 की रेंज में, कोई 250 का भी है, तो बहुत अच्छा। ये देखिए देखने से ही पता लग रहा है और एकदम ऐसे गर्म है ना, अच्छे वाले हैं ये। गरम जुराब कितने के भैया? ये 100 के? 100 के? 100 के कितने बता रहे हो? 100 के दो जोड़ी। और यहाँ पर ये गाउन देख रहे होंगे आप लोग और ये नाइटी है तो नाइट सूट है 400 रुपए का और ये गाउन भी यहाँ पर 400 रुपए का है। और जो इधर वाले हैं ना तो वो गरम नहीं है, वो 350 के हैं। और ये जो वुलन वाला है ना तो ये इतना अच्छा, इतना ज्यादा गरम है और खूब मोटा सा है मतलब गाउन। और गाइज यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके गरम स्वेटर लगी हुई थी तो ये देखिए स्वेटर के डिज़ाइन, कोई गोल गले की थी और राउंड गले में है कोई, और कोई कोटी टाइप में है, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, ऐसा नहीं था कि एक ही डिज़ाइन है। ये 350 रुपये वाले हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी गर्म है और जैसे मतलब इनको पहन के ना एक भारीपन सा नहीं लगता है, जैसे किसी का साइज ज़्यादा थोड़ा सा भारी होता है तो उनके लिए मतलब ये गर्म भी हैं और वैसे पतली भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पोचू है और ये पोचू भी 350 रुपये का है। और जैसे कोई 150-200 रुपये वाले भी थे, 200 रुपये वाले, 250 रुपये वाले, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग आ जाती है। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर लगे थे सॉक्स और यहाँ पर सॉक्स मिल रहे थे 100 के 4 जोड़ी और ये वाले 2 जोड़ी। ये थोड़े से हल्के भी थे लेकिन गर्म थे ये बहुत अच्छे, और ये 100 के 2 जोड़ी मिल रहे थे और ऊपर वाले 100 के 4 जोड़ी मिल रहे थे। तो यहाँ पर से तो मैंने परचेज़ नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सा पहले मैं मार्केट को देख लूँ और समझ लूँ। और ये जो इधर वाले हैं ना तो इसके अंदर से फ्रग लगा हुआ है, जो मोटा सा होता है ना तो वो लगा हुआ है, और वो 100 के 2 जोड़ी मिल रहे थे वो भी। हर जगह पे ना अलग अलग रेट था। तो जैसे ये वाली स्वेटर है तो ये 200 रुपए की है, जैसे कॉलेज गर्ल्स हो गई और 19-20 साल के जो गर्ल्स होती है ना तो उनमें ज़्यादातर मैंने ये देखा कि इस टाइप की वो स्वेटर डालती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पतले टाइप के हैं तो ठंड भी नहीं लगेगी, जैसे विंटर सीजन स्टार्टिंग हो या एंड हो तो उसमें ये बहुत काम आती है। और इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन थे इनके, तो ये देखिए एक डिज़ाइन ये भी है, मैं आप लोगों को तसल्ली बख्श डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो इस टाइप के हैं और अगल बगल में पॉकेट है लेकिन पॉकेट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन पॉकेट है इनमें। और ये देखिए इस पे ना थोड़ा सा जाली जाली टाइप का सा डिज़ाइन था और ये 200 रुपए के हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा भी हुआ है, ये 200 रुपए की सेल है। तो इस टाइप की स्वेटर भी बहुत अच्छी लगती है लड़कियों पे, जैसे कॉलेज गर्ल्स हो गई है ना, और ऑफिस में डेली वेयर के लिए ये सब अच्छी रहती हैं। एसी चलता रहता है, गर्म एसी, तो उनमें उसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और अगर हम मोटा सा कुछ स्वेटर पहन के चले जाएँ तो और ज़्यादा फिर उसमें वो होता है, घुटन सी होती है। तो ये देखिए ये हाई नेक टाइप के भी थे यहाँ पर और ये इस टाइप के भी हैं, फैशनेबल, इन पे बाजू लगी हुई है और इधर गरम है। और ये देखिए यहाँ पर ये जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया 200-200 रुपये की सेल है, तो ये देखिए इसके बाजू भी बहुत अच्छे लग रहे थे और गर्म टाइप के भी थे, जाली भी थी, मतलब जाली वाला ऊन सा था इनमें, और कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाइट कलर का भी। ये देखिए ये भी गर्म है और इस तरीके का डिज़ाइन है गले पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हस्बैंड जी मजाक भी कर रहे थे कि अपने लिए ले लो आप ऐसे जीन्स के साथ, लेकिन मुझे ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पर मैं जीन्स बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ, और सूट डाल सकती हूँ, साड़ी डाल सकती हूँ, लेकिन जीन्स नहीं डाल सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं क्या है मार्केट में। लेकिन गर्म कपड़े सारे आ गए हैं, बस कहीं कहीं पर लोग समर सीजन के बीच रहे, बाकी सारे गर्म से मार्केट भर गया है।
जैसे ही हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर इयररिंग्स लगे हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे पार्टी वियर टाइप के और डेली वियर के भी थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 300 कोई 350 और कोई 250 रुपये है इनकी रेंज। ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के हैं, ये देखिए अपने आप ही आप लोगों को क्वालिटी दिख रही होगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी कैप्चर कर लूँ और प्राइस बता दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये 250 रुपये वाले हैं, जो थोड़े से हैवी टाइप के देखे होंगे अभी आपने, ये भी 250 रुपये का था और हैवी टाइप के हैं जो वो 300-350 बोल रहे थे। तो ये देखिए ये 250 रुपये वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं कपड़ों वाली गली में, तो ये आ गए हैं हम कपड़े वाली गली में जहाँ पर ढेर सारे कपड़े लगे होते हैं। तो यहाँ पर लगे हुए थे ये सुंदर सुंदर से स्टॉल, और जैसे कलर के हमारी सूट है वैसे कलर के हमें स्टॉल मिल जाएंगे। ये देखिए अलग अलग कलर के हैं और बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ पर। अंकल कितने का स्टॉल? 300 रुपये। तो 300 रुपये के शॉल मिल रहे थे यहाँ पर, और ये वाली जो दुकान है यहाँ पर हर चीज़ 300 रुपये का था। थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये स्वेटर लगी हुई थी अच्छी अच्छी, जैसे जैकेट के अंदर से पहनने के लिए बहुत अच्छी रहती है ऐसी स्वेटर, तो ये थी 399 यानी कि 400 रुपये की। और यहाँ पर लेडीज़ स्वेटर भी सेम प्राइस की थी, तो ये देखिए बहुत अच्छी लग रही थी ये स्वेटर, कोई प्लेन थी मतलब अलग अलग डिज़ाइन था। तो हम चले गए थे फिर सूट की दुकान पे, और यहाँ पे सुंदर सुंदर सूट आ गए हैं गरम वाले। और ये देखिए जो ये सूट मैं देख रही हूँ ना, ये तो ये 1200 1400 1500 की रेंज में हैं, और जैसे जितना जिसको चाहिए वो सब थे यहाँ पर, मतलब ऊपर भी प्राइस था। और मैंने कपड़ा चेक करके देखा तो ये वो वाले सूट नहीं है जिन पर एक बुर निकल आते हैं ना, तो वो वाला नहीं है। और मैं भी अपने लिए दो सूट लाई हूँ, कैसे हैं और कितने के हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, एक अलग से शॉपिंग हॉल बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये ब्लू वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा फिरोजी कलर का, और ये ब्राइडल टाइप में था तो ये भी अच्छा लग रहा था, और इनकी रेंज थी 1200। ये गरम कुर्ती है भैया, प्लाजो भी है इसके साथ, कितने के है? प्लाजो सहित ये गरम कुर्ती, और अच्छी लग रही थी ये भी, बढ़िया लग रही थी। ये देखिए प्लाजो सहित है और एक डिजाइन ये है, तो अच्छे अच्छे आ गए हैं। प्लाजो में इसके प्रिंट है और कुर्ता इसका प्लेन है, तो सुंदर लग रहा है ये। कौन सा चाहिए? सिंग सिंग टेबल कैसे दिए ये? 100 के 3 पर दिए। 100 के 3 मैडम। चाहिए तो ये ले लो। 100 के 4। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बच्चों की जैकेट लगी हुई थी, और अंदर से जो गरम कपड़ा होता है ना वो लगा हुआ था इस पे, वो ऊनी का सा होता है जो आप लोगों को पता होगा, जो ये टोपी पे है ना गरम सा फाइबर, तो वो लगा हुआ था। 250 के मिल रहे थे ये जैकेट, यहाँ पर कलरफुल थे काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए हाफ में भी हैं और फुल में भी। उसी के ठीक सामने यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे अच्छे अच्छे कलरफुल में, ये देखिए कलर बहुत सुंदर थे इनके, कोई लाइट कलर का कोई डार्क कलर का। तो इन स्टॉल का जो प्राइस था वो था 150 रुपये यहाँ पर। ये देखिए सेल भी लगी हुई है, उसी के ठीक सामने बच्चों के कपड़े भी लगे हुए हैं 250 के। तो अभी हम बढ़ गए हैं आगे की तरफ और देखते हैं बच्चों की टोपियाँ, और यहाँ पर ना बेड शीट देखने लग गए थे हम लोग। ये देखिए टॉवल्स है यहाँ पे, ब्लैंकेट है, 500 का 2 टॉवल, 2 टॉवल साइज वगैरह पूरा फूल है, साइज के लिए बेस्ट रहो, कलर रेट सही लगा, एक ही रेट है मैडम मार्केट में, 350 के 1, 700 के 2, अच्छा लगवाना सारे ऐसे है। उसी के ठीक बगल में यहाँ पर ये रबड़ लगे हुए थे जो जूड़े पे लगाते हैं ना, जूड़ा बना के, तो पहले हम बहुत पहनते थे इन रबड़ों को, वो थोड़ा सा दूसरे टाइप में आते थे, और इन इनसे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये यहाँ पर 150 रुपये के मिल रहे थे।
और यहाँ पर गरम टी शर्ट ना थोड़ी सी पतली टाइप में मैं देख रही थी बाबू के लिए, क्योंकि उसको बहुत शौक है टी शर्ट का और फटाफट से वो अपने कपड़े भी ख़राब करती है। तो ये यहाँ पर रेड कलर का मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन साइज़ उसका नहीं था यहाँ पर। और ये भी गर्म में है ये देखिए, लेकिन दूर से देखने में लग रहा है कि ये वैसे ही होगा समर सीजन वाला। ये वाला कलर होगा ही नहीं आपके पास, गारंटी। ये लोग सेल में लो, कितने का है? 350 का दीजिए, कोई से भी लीजिए, बहुत कलर है मेरे पास और भी है, दिखा दो। और हमें जाना है कहीं बाहर, तो यहाँ पर मैं देख रही थी बच्चों के लिए टोपी, और ये टोपी थी 150 रुपये की छोटे बच्चों की और 200 बड़ों की। तो मैंने लिया तो नहीं, लेकिन सॉक्स भी और टोपी भी यहाँ पर ठीक ठाक थी, अच्छी थी, दोनों के लिए चाहिए। ये देखो मामा, सब में ग्रीप है, प्लेन नहीं, जो प्लेन होता है उसको स्लिप मारता है, स्पाइडरमैन सब है। ये कैसे? 350 और ये गर्म बूट हैं, जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो हमारे लिए भी अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं। वैसे ठंडी जगहों में जैसे जा रहे हैं ना हम, तो इनको पहन के आराम से जा सकते हैं, लेकिन इतना ये बाहर के लिए नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर के लिए होते हैं। और वैसे नीचे प्लास्टिक लगा होता है, अगर हम इनको अच्छे से चलाएँ ना तो चलते हैं ये बहुत अच्छे। तो यहाँ पर था इनका 350 प्राइस, और यहाँ पर से तो नहीं लिया मैंने, लेकिन सेम लिया है मैंने, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर जरूर करूंगी। गाइस यहाँ पे पर्स की दुकान है और बहुत अच्छे अच्छे पर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। कितने का भैया? 500 रुपए, 700 रुपए, 500, 700। अंदर कौन से ब्रांड है? भैया ये पजामे कितने के हैं? ये वाले पजामे 250। तो लाजपत में ना बच्चों के पैजामे भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, कोई 250 के, कोई 350 की सेल लगी हुई है। थ्री फिफ्टी के हैं ये, किसके हैं? 350। यहाँ पर है फिक्स प्राइस। और गाइज यहाँ पर ना इयररिंग्स की जो कलेक्शन है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी और डिफरेंट मिल जाती है इस मार्केट में। ये बहुत अच्छी लग रही थी सिल्वर की जो ज्वेलरी है ना, ये वाला पैटर्न, रेड वाला ये पैटर्न। क्या कह रहे मैडम? संजय ये वाला निकालना कलर, ब्राउन तो सही का हूँ। हाँ ब्राउन या ग्रे निकालना ना। ये लिया, ये 29 नंबर, ये लिया। वो कितने है? 26। ये लिया या नहीं है ये टाइप? दिखा, उधर मत जाओ, इस कपड़े में ही रहो बाबू, हट जरा आप। हाँ पक्का ज्यादा ढीला या ज्यादा टाइट तो नहीं है ना? नहीं सही है, सर सही है। सही है, चलो जरा उधर को चलो, यहाँ चलो। तो इस वाली शॉप से ना मैंने जो गरम बूट हैं वो ले लिए हैं, और जो पहले देखे थे ना मैंने, तो वहाँ पर वो 350 से नीचे आ ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर मैंने तीनों के लिए 300 रुपये में ले लिए हैं, मतलब 300 रुपये में, सॉरी। ये मेहरून वाला ले लूं चुकी हूं मैं, मेहरून वाला, एक मेहरून दे दो, एक रेड दे दो। हाँ ऐसे अच्छा लगेगा ना, एक मेहरून दे दो। रेड भी चाहिए? है ना ना ना, रेड नहीं चाहिए, ये दो, ये देना ना। हाँ हाँ आपने रेड मना किया बाबू, भैया को कहाँ वो कर रही, तो है रेड मना किया,
रेड नहीं मैरून और क्या बोले ना ये तो ग्रे हाँ वही आप बोल रहे हो कंफ्यूजन है वो सही समझ रही है तभी बार बार बोल रही है आपको भी ये लो मास्क अभी बहुत अच्छा वाला लेंगे ना भैया दिखा दो पजामा पहले आ जाओ ऐसे वाला वाला ब्लू हाँ भी करके देख लेना हाँ जी और ये कितने का दिखाना आप भी ले रहे हो मामा ये आपका और यहाँ पर ना लटकन बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं 150, 200, 250 तो ये महंगे वाले थे और यहाँ पर ये देखिए ये डेकोरेटिव आइटम्स जो सजाने के होते हैं ना वो भी हैं और जो दुल्हन लगाती है ना हल्दी लगा के अपने कानों पे और गले पे और ये मांग टीका है तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे को मैंने प्राइस तो नहीं पूछा लेकिन ऐसे ही बस कैप्चर कर दिया है और ये देखिए यहाँ पर ब्रेसलेट भी है बाबू ट्राई भी कर रही है उसको बड़ा शौक है इन चीज़ों का और ज्वेलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है स्टोन वाली ज्वेलरी और वैसी ज्वेलरी ये सब और गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये ज्वेलरी बाहर लगी हुई है तो ऐसे ही होंगी नहीं बिल्कुल नहीं लाजपत नगर में ये देखिए क्वालिटी अलग ही होती है इस ज्वेलरी की और जैसे लोकल मार्केट में होते हैं ना संडे मंडे मार्केट में वो सब नहीं होता है यहाँ पर तो ये इसका जो प्राइस था अलग अलग रेट था इनका तो मैं अंदाज़ा लगा देती हूँ मैंने एक दो का प्राइस पूछा जब लेना नहीं है तो मैं ऐसे पूछती भी नहीं हूँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो कोई 600, 700, 800 ऐसे ही था कुछ तो ये जैसे ये था ना तो ये 500 रुपये की थी लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग भी होता है ऐसा नहीं होता है कि मतलब हाँ जितना बोल रहे हैं उतने में ही देंगे तो ये जैसे 700 रुपये बोल रहे थे इसके लिए जो ग्रीन वाला था वो 1000 रुपीज़ था और मतलब अच्छे प्राइस में बहुत अच्छा चीज़ आ जाता है यहाँ पर और मेहंदी वाले ये देखिए बैठते रहते हैं यहाँ पर परमानेंटली मैंने अपने लिए सूट कटा लिया है अब कैसा है घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को नाइटी कितने की है गरम में कितने की है भैया गाइस 350 रुपये की नाइटी है ये अच्छी है गरम में है और ये यहाँ पे टी शर्ट्स हैं सारे गरम टी शर्ट्स और अगर आप लोगों को ना जैसे नाइट सूट लेना हो टी शर्ट गरम टी शर्ट लेनी हो सोते समय के लिए ना जैसे रात को सोते समय तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट लगी हुई थी अभी देखा होगा आप लोगों ने और ये सारे गरम नाइटी हैं और गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ ये सॉक्स पे ना छोटे बच्चों के सॉक्स पे या बड़ों के सॉक्स पे ऐसे लग के आ रहे हैं ये प्लास्टिक के हैं जैसे बच्चे फिसल जाते हैं ना फर्श में अंदर तो ये फिसलेंगे नहीं और बहुत अच्छे लग रहे थे 100 रुपये के 2 जोड़ी थे थोड़ा सा महंगा लगा मुझे ये उसके बाद चले गए थे हम थोड़ा सा आगे और बच्चों की शॉप आ गई है यहाँ पर तो ये जो नाइट सूट दिख रही है आप लोगों को ये गरम है बहुत अच्छा है और इसका जो प्राइस था वो था 650 रुपये लेकिन मैं कितने में लाई हूँ कैसे लाई हूँ ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को वैसे वो किसी को मतलब इतना कम नहीं दे रहे थे तो थोड़ी सी मैंने बार्गेनिंग करी और अच्छा सा मैं ले आई हूँ और इस टाइप के ना बच्चों पर अच्छे भी लगते हैं और गर्म होते हैं ये काफ़ी गर्म होते हैं ठंड नहीं लगती इनमें गाइज ये गरम कुर्तियाँ भी आ गई कितने की भैया ये 350 की कुर्तियाँ हैं ये शॉप नंबर कितनी है आपकी अच्छा यहाँ पे चाट कॉर्नर और गोलगप्पों के सामने और बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं ये देखिए गाइज आप लोगों को एक बात बता दूँ जैसे लाजपत नगर मार्केट है ना तो सारी चीज़ें एक सामने मिल जाती है मतलब अगल बगल में ही सब चीज़ें जैसे एक पर्स की दुकान हो गई तो कोई सैंडल की दुकान है बगल में कपड़ों की दुकान है तो इस मार्केट में ना शॉपिंग करने का एक अलग ही मज़ा आता है और इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता कैसे दी पजामे 250
और यहाँ पर लेडीज स्वेटर लगी हुई थी अच्छे अच्छे डिजाइन की, ये देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। और बहुत अच्छी थी, 500 की थी एक स्वेटर, और लॉन्ग में है ये, तो साड़ी में भी ऐसी अच्छी लगती हैं, सूट में भी अच्छी लगती हैं और जीन्स में भी अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग डिजाइन के थे, मतलब जैसे होता है ना एक जैसे तो ऐसा नहीं था। तो ये देखिए आज पहली बार मैं बच्चों के साथ मेट्रो में सफ़र कर रही हूँ, और हस्बैंड जी ने मेरे को बताया कि मतलब कैसे कैसे आना है, क्या क्या आना है, तो आ गए थे बाद में खुद ही घर को। और चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिखना और मैं उसका आंसर दे दूंगी। और जो मैंने आज शॉपिंग की है ना, कहीं जाने की तैयारी हो रही है हमारी, उसकी वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्या लाई हूँ, कितने के लाई हूँ। तो चलिए गाइज अभी हमारा उतरने का टाइम हो गया है, हमारा स्टेशन आने वाला है, तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को कल की वीडियो में एक हॉल के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी हम उतर गए हैं, बाय बाय गाइज। आज पहली बार मैं सक्सेसफुली मेट्रो में बैठ के और मेट्रो से उतर भी गई हूँ, और बहुत डर लग रहा था। तो अभी हम अपने घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन में उतर गए हैं, तो चलिए अभी चलते हैं नीचे सीढ़ियों से। और आज मुझे खुशी हो रही है, हाँ खुशी हो रही है, पहली बार अकेली चढ़ रही हूँ मेट्रो में और अकेले सफ़र किया है। हाँ, बच्चों के साथ आओ, जल्दी आओ।